कश्मीर पर मोदी के दो टूक बयान से गदगद हुए अभिषेक मनु सिंघवी। ट्रंप के सामने पीएम मोदी के बयान की कांग्रेस नेता ने की तारीफ। फ्रांस के बियारित्ज में हुए G7 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर कश्मीर मुद्दे पर भारत का रुख साफ कर दिया। मोदी के इस बयान से जहां पाकिस्तान को जोर का झटका लगा, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के सामने कश्मीर पर पीएम मोदी के दो टूक बयान की भारत में खूब तारीफ हो रही है। यहां तक कि प्रमुख विपक्षी दल के नेता भी मोदी के इस अंदाज के मुरीद हो गए हैं। दरअसल पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं और इन मामलों पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी के इस रुख की कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तारीफ की है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। ट्रंप के सामने कश्मीर मुद्दे पर मोदी के बयान को लेकर खुशी जाहिर करते हुए सिंघवी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि G7 सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दे, जिनमें कश्मीर भी शामिल है और द्विपक्षीय है, और कुछ भ्रम के बावजूद आगे भी द्विपक्षीय ही रहेंगे, ऐसा जानकर अच्छा लगा, बधाई हो। इससे पहले फ्रांस में कश्मीर पर एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दे हैं। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने उनसे कहा कि हमारे दोनों देशों को गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ना है, इसलिए हम दोनों देशों को ही लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को भी इससे अवगत कराया और हम अपने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। पीएम मोदी जब ये जवाब दे रहे थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके बगल में मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पीएम मोदी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता सिंघवी खुलकर मोदी के समर्थन में आ गए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सिंघवी ने पीएम मोदी की तारीफ की हो। इससे पहले जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि मोदी को सिर्फ खलनायक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, तो सिंघवी ने भी जयराम रमेश का समर्थन किया था। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।